हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सेकेंड मैथ। द नेम ऑफ अवर फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास सेकेंड मैथ इज रिवीजन। सो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे हमारा फर्स्ट लेसन मैथ का जिसका नाम है रिवीजन। तो फ्रेंड्स इस लेसन में हम ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं एंड इस लेसन के बाद हम न्यू टॉपिक दैट इज न्यू लेसन के साथ शुरुआत करेंगे। तो देखिए रिवीजन में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म ये क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो हम इसे क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। मेरे साथ रिपीट कीजिए, राइट द नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म। तो देखिए यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल 67। तो देखिए हमारा नंबर क्या है 67, जिसमें देखिए ये जो 7 है जो लास्ट नंबर है वो वंस की प्लेस पे होता है। हमेशा कोई भी नंबर हो तो उसका लास्ट नंबर हमेशा वंस की प्लेस पे होता है। यहाँ लास्ट नंबर 7 है इसलिए 7 ये वंस की नंबर पे चला गया। वेयर एज लास्ट के जो पहले वाला नंबर है लास्ट के पहले वाला नंबर 6, सो 6 हमेशा सो लास्ट के जो पहले वाला नंबर होता है वो हमेशा टेंस की प्लेस पे होता है। लास्ट नंबर हमेशा वंस की प्लेस पे एंड लास्ट के पहले वाला नंबर। तो यहाँ पहले वाला नंबर क्या है 6, तो 6 ये टेंस की प्लेस पे होगा। तो देखिए 7 ये वंस की प्लेस पे एंड 6 ये टेंस की प्लेस पे। सो इनको मिलाकर दैट इज 6 टेंस एंड 7 वंस। रिपीट कीजिए 6 टेंस एंड 7 वंस, इन दोनों को मिला के एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। ये एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। तो 6 टेंस यानी कि 6 के बाद हमें 0 लगाना है। 6 टेंस 6 के बाद 0 एक ही 0 लगाना है एंड 7 वंस यानी कि 7 यहाँ हम लिखेंगे। तो अगर 600 की प्लेस पे होता तो 2 जीरो आते, 6000 की प्लेस पे होता तो 3 जीरो आते, ठीक है। सो 6 टेंस है इसलिए 6 के बाद सिर्फ 1 जीरो एंड 7 वंस इसलिए सिर्फ 7। सो 67 का एक्सपांडेड फॉर्म यहाँ हमें क्या मिला 60 प्लस 7। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 59। नेक्स्ट नंबर क्या है 59। सो द लास्ट नंबर इज 9, द लास्ट नंबर इज 9। सो 9 ये वंस की प्लेस पे है। सो इस सर्कल में यानी कि वंस की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 9। वंस की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 9 एंड 5 ये लास्ट के पहले आता है। तो 5 ये टेंस की प्लेस पे है, 5 ये टेंस की प्लेस पे। सो इन दिस सर्कल वी विल राइट 5। सो 5 टेंस एंड 9 वंस, 5 टेंस एंड 9 वंस। तो 59 हमने कैसे लिखा है 5 टेंस एंड 9 वंस। तो अब हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। 5 टेंस है यानी कि 5 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 0। 5 टेंस है तो 5 0 एंड 9 वंस, 9 वंस तो इस सर्कल में आ जाएगा 9। तो 50 प्लस 9, 50 के आगे अगर आप 9 गिनो तो हमें मिल जाएगा 59। ओके नेक्स्ट देखेंगे 73। नेक्स्ट नंबर इज 73। तो 3 ये लास्ट नंबर है इसीलिए 3
आ जाएगा वंस की प्लेस पे, थ्री इज इन वंस प्लेस एंड सेवन ये टेंस की प्लेस पे, सो इन दिस सर्कल वी विल राइट सेवन, सो सेवन इज इन टेंस प्लेस एंड थ्री इज इन वंस प्लेस, सो सेवन टेंस एंड थ्री वंस, सेवन टेंस एंड थ्री वंस। तो अब हम 73 का एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे, 73 का एक्सपांडेड फॉर्म, सो 7 ये टेंस की प्लेस पे, सो हियर वी विल राइट 70 बिकॉज 7 ये टेंस की प्लेस पे था इसीलिए हमने 70 लिखा, एंड 3 वंस की प्लेस पे है, 3 ये वंस की प्लेस पे है, सो हियर वी विल राइट 3, सो 70 प्लस 3 इज 73, 70 प्लस 3 इज 73, सो द नेक्स्ट नंबर इज 89, नेक्स्ट नंबर क्या है 89, सो 9 ये लास्ट नंबर है, 89 यहाँ देखिए 9 ये लास्ट नंबर है, सो 9 इज इन वंस प्लेस राइट, 9 इज इन वंस प्लेस, एंड देखिए 8 ये कौन से प्लेस पे आ जाएगा, टेंस प्लेस, 9 ये वंस की प्लेस पे एंड 8 इज इन टेंस प्लेस, सो 8 ये आ जाएगा टेंस की प्लेस पे, सो रीच 8 टेंस एंड 9 वंस, 8 टेंस एंड 9 वंस, सो एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 8 टेंस है यानी कि 8 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 0, 8 के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे 0, 100 होता तो 2 0, 1000 होता तो 3 0, एंड यहाँ 10 है इसीलिए 1 0 एंड 9 1, सो हियर वी विल राइट जस्ट 9, सो 89 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, 80 प्लस 9, 89 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, 80 प्लस 9, तो अब देखिए फ्रेंड्स हमने कुछ नंबर्स को तो एक्सपांड कर लिया, तो अब आपको इन 3 नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, 94, 18 एंड 36 इन नंबर्स को आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ओके, एंड आपको व्हाट्सएप नंबर पे उसे सेंड करना है, सो थैंक यू। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हमारा न्यू टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड न्यू टॉपिक, सो सबसे पहले आपको मेरे आफ्टर रिपीट भी करना है, ठीक है, सो लेट्स सी द न्यू टॉपिक, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, हमने अभी एक्सपांडेड फॉर्म देखा था और अब हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं जिन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, 5 टेंस एंड 3 वंस, 5 टेंस एंड 3 वंस, दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल, सो देखिए 5 टेंस यानी 5 ये टेंस की प्लेस पे, सो हियर वी हैव 5 एंड उसके बाद 0 बिकॉज टेंस की प्लेस पे है, सो 50 एंड 3 ये वंस की प्लेस पे है इसीलिए 3 ये आ जाएगा एज इट इज, सो 5 टेंस एंड 3 वंस, इसे हमने कैसे लिखा शॉर्ट फॉर्म में, सो 50 प्लस 3, 50 प्लस 3 सो इट्स 53, 5 टेंस एंड 3 वंस का शॉर्ट फॉर्म क्या मिला हमें 53, सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 5 tens and 3 ones is 53. तो इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, देखिए क्या है, 0 tens and 9 ones, 0 tens and 9 ones, तो देखिए 0 tens यानी कि 0 ये tens की प्लेस पे है, तो क्या आप 0 के पीछे और एक 0 लगाएंगे, नहीं, सो देखिए जीरो किसी भी प्लेस पे हो, जीरो किसी भी प्लेस पे हो
तो हम सिर्फ जीरो ही लिखते हैं। यहाँ जीरो टेंस की प्लेस पे था तो भी हमने सिर्फ एक ही जीरो लिखा। अगर जीरो हंड्रेड की प्लेस पे होता है तो भी हम सिर्फ एक ही जीरो लिखेंगे। एंड अगर जीरो थाउजेंड की प्लेस पे होता है तो भी हमें सिर्फ एक ही जीरो लिखना है। सो जीरो टेंस एंड नाइन वन, सो नाइन वन यहाँ आ जाएगा नाइन एज इट इज। सो जीरो प्लस नाइन, सो जीरो के आगे आपको नाइन तक काउंट करना है। सो जीरो प्लस नाइन इज नाइन, जीरो प्लस नाइन इज नाइन। नेक्स्ट देखिए, वन टेन एंड सेवन वन, वन टेन एंड सेवन वन। तो देखिए वन ये टेंस की प्लेस पे एंड सेवन ये वंस की प्लेस पे, तो वन टेन, सो यहाँ वी हैव वन एंड जीरो, वन एंड जीरो। सो टेन एंड सेवन वन, सेवन ये वंस की प्लेस पे, सो हियर वी हैव सेवन। सो टेन प्लस सेवन, टेन प्लस सेवन, टेन प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवेंटीन। टेन प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवेंटीन। सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन टेन एंड सेवन वन इज सेवेंटीन। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन टेन एंड सेवन वन इज सेवेंटीन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेंस एंड फोर वन, टू टेंस एंड फोर वन। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है हम देखेंगे। टू टेंस, टू ये टेंस की प्लेस पे है, बड़ा आसान है, यानी कि टू के आफ्टर हमें एक जीरो लगाना है बिकॉज टेंस की प्लेस पे है। सो टू टेंस यानी कि टू के बाद जीरो, एंड फोर वन, फोर ये वंस की प्लेस पे है तो यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे फोर। सो टू टेंस एंड फोर वन, इसको हमने लिखा ट्वेंटी प्लस फोर, ट्वेंटी प्लस फोर। सो ट्वेंटी प्लस फोर यानी कि ट्वेंटी के आगे आपको फोर नंबर्स और काउंट करने हैं। सो ट्वेंटी प्लस फोर इज इक्वल टू, इसे हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू। सो ट्वेंटी प्लस फोर इज ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी प्लस फोर इज ट्वेंटी फोर। तो इसी तरीके से हमने ये फोर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट, जिसको आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखना था। जो नंबर टेंथ की प्लेस पे है उसे आप उसके उस नंबर के बाद सिर्फ आपको एक जीरो लगा देना है, एंड जो वंस की प्लेस पे है वो आ जाएगा एज इट इज। तो अब आपको ये जो थ्री क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क है, जिसको आपको होमवर्क राइट डाउन करके आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। सो थैंक यू।